हेलो मॉडर्न किड्स, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट नाउ टेक आउट योर हिंदी बुक। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक ओपन करेंगे। ओके, आज हम लोग बेटा एक्सरसाइज करेंगे बुक में। ओके, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर हो गया है, अब हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बेटा पेज नंबर 36 सभी बच्चे ओपन करेंगे, मेरे साथ ही सभी बच्चे एक्सरसाइज को कंप्लीट करते रहेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ पे नीचे दी गई कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए, ये दिया गया है ना बेटा। तो काम है बेटा, आपको कविता सभी बच्चे पढ़े होंगे तो आप वहाँ से देख करके बुक को फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे बेटा, देखो जी हर बराती में है कैसा उत्साह, यहाँ पे लिखेंगे आलू जी के संग हो रहा गोभी जी का ब्याह, यहाँ फिल करेंगे। फिर खामे, टोप लगा बैगन बाबू ने ठुमक दिखाई चाल, छज्जे से लटकी मिर्ची हुई शर्म से लाल, गाजर ताई और प्याज चाचा कहते राम दुहाई, ऐसी सुंदर जोड़ी भगवान तुमने खूब बनाई। बेटा जो लाइन है, आप पहले इस लाइन को अच्छे से देखिएगा बुक में, उसी लाइन को लिखना है। सारी लाइन को आपको नहीं राइट करना है बेटा, यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कविता से। ओके, हो जाएगा बेटा। चलिए थर्ड वाला देखते हैं बेटा। थर्ड में क्या करना है, तालका से की सहायता से कविता के आधार पर वाक्य बनाइए, है ना। तो यहाँ पे बेटा, कटहल जी ने ढोल बजाया ढम ढमा ढम ढम, यहाँ पे मैंने पेंसिल से किया है ना। कटहल जी ने ढोल बजाया ढम ढमा ढम ढम, टोप लगा बैगन बाबू ने ठुमक दिखाई चाल। ओके, ऐसे ही मैच करना है आपको। मूली जी ने बीन बजाई सलगम ने सहनाई, ऐसे आपको मैच करना है। ओके बेटा, कर लेंगे सभी बच्चे। यहाँ पे लय ताल मिलाइए, उत्साह का बेटा क्या हो जाएगा ब्या, ढम का छम, चाल का लाल, सहनाई का पहनाई, भाई का विदाई, दुहाई का बनाई, ये राइट करना है। ओके, सभी बच्चे बुक से देख के राइट करेंगे यहाँ पे, इस वीडियो को देख के। सेकंड बेटा क्या है, नीचे दिए शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों के सामने लिखिए, यहाँ से आपको देख के फिल करना है। जैसे का दुखी का क्या हो जाएगा बेटा परेशान, वधू का दुल्हन, ब्याह का शादी, दूल्हा का वर, संग का साथ, सुंदर का खूबसूरत, हो जाएगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्या है एक्सरसाइज। कौन सी सब्जियां हैं जो जमीन के नीचे होती हैं, जैसे बेटा काम में क्या आपको करना है, जो जमीन के नीचे होती हैं वो क्या क्या है, आलू मूली प्याज। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं कौन सी, पालक सलजम मूली, इसमें क्या होता है बेटा, सलजम में भी हरा पत्ता होता है, मूली में भी हरा पत्ता होता है, पालक भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। ग जो बेलों पर लगती हैं, ओके, ऐसी कौन सी सब्जी है जो बेल पे ऐसे चढ़ती हैं बेटा, तो कद्दू लौकी तरोई। ओके, फिर आपका क्या है बेटा, आलू सब्जियों का राजा है, वह बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, आपको आलू से बनी कौन कौन सी चीज़ें पसंद है लिखिए, आपको जो चीज़ें आलू से पसंद, जो चीज़ें अच्छी लगती हों वो आपको बेटा यहाँ पे राइट करना है। ओके, जो जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ राइट करेंगे, आलू से चीज़ें पसंद जो भी होगी आपको वो राइट करना है बेटा। ओके, यहाँ पे बेटा आलू बैंगन और घिया को सब्जी कहते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे बेटा लिखा है ना, आलू बैंगन घिया को क्या कहेंगे, सब्जी। यहाँ पे का वाला आम अनार केला चीकू, इसको क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे बेटा, फल, क्या बोलेंगे, फल। तोता मैना मोर कौवा पक्षी, शेर चीता हाथी भालू पशु, मक्खी मच्छर टिड्डा कीड़ा मकौड़ा होता है ना, मूंग चना मसूर अरहर दाल चावल गेहूं को क्या कहेंगे, अनाज,
ओके बेटा, समझ में आया? ऐसे ही आपको फिल करना है बुक में। फिर देखते हैं आगे क्या है बेटा। यहाँ पे पेज नंबर 38 पे बेटा देखिए, चित्र को देखकर लिखिए कि सब्जी वाले के पास कौन कौन सी सब्जियाँ हैं। आपको यहाँ पे बेटा फिगर को देखना है और इसमें ये देखना है बेटा कि ये सब्जी वाले के पास कौन कौन सी सब्जियाँ हैं। जैसे बैंगन, बैंगन भी है बेटा, ओके, टमाटर, कद्दू, आलू, मूली, गाजर, शलजम, मिर्ची, धनिया, पत्ता गोभी आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा है ना बेटा। जितनी सब्जियां मैंने लिखी है वो आपको इस फिगर में दिख रहा है, ओके। चलिए और आगे देखते हैं बेटा क्या है। वर्ग पहेली के फलों के नाम ढूंढकर लिखिए। आपको यहाँ पे दी गई है पहेली, उसमें फलों के नाम ढूंढ करके यहाँ पे राइट करना है, ओके बेटा। जैसे अनार, पहला वाला ना, ये अनार है, ओके। संतरा, संतरा यहाँ बन रहा है ना बेटा, अनानास है यहाँ पे। उसके बाद क्या बन रहा है, जामुन बन रहा है, अंगूर है, केला है, और क्या है बेटा, सेब है ना। इतना मैंने यहाँ राइट किया है, संतरा, जामुन, केला, सेब, अंगूर, अनार, अनानास, ओके। ये आपको यहाँ राइट करना है, आपको पेंसिल से भी इसके अंदर सर्कल करना है, ओके। चलिए, किसका राजा कौन है अध्यापिका की सहायता से जानकारी करके लिखे। यहाँ पे लिखा है बेटा, देखते हैं, फलों का राजा आम, पक्षियों का राजा मोर, ओके। पक्षियों का राजा बेटा क्या है, मोर। सब्जियों का राजा आलू, जानवरों का राजा शेर, है ना। चलिए आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पे सब्जी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, अपनी पसंद की किन्हीं दो सब्जियों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखें। जो आपको बेटा जो सब्जी पसंद हो आपको यहाँ पे चित्र बनाना है और उसके नाम यहाँ लिखना है, ओके। चित्र बना करके कलर कर देना है, फिर यहाँ पे आप नाम सब्जियों के लिखेंगे। फिर यहाँ है बेटा, यदि आप काफ़ी कमज़ोर हों और डॉक्टर आपको हरी सब्जियाँ खाने की सलाह दे तो आप क्या करेंगे। देखो, पहला क्या है, डॉक्टर का कहना नहीं मानेंगे, मम्मी के डांटने पर ही खाएंगे, खुशी खुशी खाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे क्या है, यदि आप काफ़ी कमज़ोर हो और डॉक्टर आपको हरी सब्जियाँ खाने को सजेस्ट करे तो क्या करेंगे, खुशी खुशी खाना शुरू कर देंगे ना बेटा, कि मम्मी के डांटने पर खाएंगे, नहीं, खुशी खुशी खाना शुरू कर देंगे तो यही टिक हो जाएगा, ओके। यहाँ पे टिक कर देना है। गा वाले में फिर आपका, यदि आपके दांत चॉकलेट और टाफियाँ खाने से ख़राब हो रहे हो और आपके माता पिता इन्हें खाने से मना करें तो आप क्या करेंगे बेटा, चोरी चुपके से खाएंगे, इन्हें खाने की जिद करेंगे या माता पिता की बात मान लेंगे। क्या करेंगे बेटा, माता पिता की बात मानेंगे ना, कि दांत जो है सड़ाएंगे, नहीं, दांत को ख़राब नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि चॉकलेट और टॉफियाँ खाने से क्या होता है बेटा, दांत ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, है ना बेटा। तो माता पिता की बात को हम मानेंगे, है ना। चलिए, यहाँ तक आप सभी बच्चे बुक कंप्लीट करेंगे ना, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बुक को कंप्लीट करेंगे और होमवर्क कंप्लीट करके क्लास ग्रुप में दिखाएंगे, ओके। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।